हमीरपुर के सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल मैदान में जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार मनाया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि ग्रामीण विकास पशुपालन एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने शिरकत कर तिरंगा फहराया और जनता को संबोधित किया। मुख्य अतिथि वीरेंद्र कंवर ने मार्च पास्ट की सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार सीमित कार्यक्रम आयोजित किया गया और कोविड के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए तैयार की गई स्किट ने सभी को खूब मनोरंजन किया। कार्यक्रम के दौरान विधायक नरेंद्र ठाकुर, कमलेश कुमारी, DC देवश्वेता बनिक, SP कार्तिकेन, गोकुल चंद्रेन, SDM चिरंजी लाल चौहान भी मौजूद रहे। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने प्रदेश व जिलावासियों को हिमाचल दिवस की बधाई दी और कहा कि प्रदेश आज अपना स्वर्णिम वर्ष भी मना रहा है और इन 50 सालों में हिमाचल ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है, जिसके लिए सभी बधाई के पात्र है। हम सब हिमाचल वासियों के लिए एक ऐतिहासिक और चिरस्मरणीय दिवस है, क्योंकि आज के ही दिन हमारा ये खूबसूरत पहाड़ी प्रदेश अस्तित्व में आया था, क्योंकि 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिला करके ये पहाड़ी राज्य अस्तित्व में आया था। मैं इस अवसर पर उन सभी विभूतियों को स्मरण करता हूँ जिन्होंने हिमाचल के विकास की गाथा लिखी। विशेषकर हमारे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर YS कुमार जी को भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, जिन्होंने प्रदेश को एक फल राज्य के रूप में एक अलग से जो है वो पहचान दिलाई। हिमाचल प्रदेश जहाँ देवभूमि भी है, वहीं हिमाचल प्रदेश एक वीर भूमि भी है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य व शांत परिवेश पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता है। हिमाचल दिवस के इस पावन अवसर पर मैं प्रदेश के बहादुर सैनिकों को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। वर्ष 1977 में कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश ने किसानों को सहूलियत प्रदान करने के लिए 4 नए केंद्र स्थापित किए हैं, जहां पर किसान अपनी गेहूं की फसल को बेच सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसान हित में कार्य कर रही है और इन केंद्रों की घोषणा मुख्यमंत्री ने कर दी है। पिछले बार 6 केंद्र थे, इस बार हम 10 केंद्र स्थापित करने जा रहे हैं, कि विधिवत रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की है और जितना भी गेहूं है हिमाचल के किसानों का, ये कोई नया पैमाना नहीं है। जो गरीब है उसकी सरकार बदल करे। लहर जो कोरोना की थी देशभर में, बहुत अच्छा काम हमारे जनप्रतिनिधि ने किया था, एक उदाहरण पूरे देश के किया था। और दूसरे चरण में भी हमने आह्वान किया, 3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जो चुने हुए नए जनप्रतिनिधियों से बात की और उन्हें कहा, उसे जो है वो कहा कि वो इसमें फिर से सरकार की जो है वो कोरोना में मदद करें, ताकि हम जल्दी से जल्दी भी इस स्थिति से जो है उभर सकें। और हमने अभी ब्लॉक स्तर के ऊपर इस तरह की मीटिंग्स हैं प्रदेश में कम बारिश के कारण पानी की स्कीमों में जल स्तर गिरने पर चिंता व्यक्त करते हुए वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कृषि, बागवानी व जल शक्ति विभाग को निर्देश दिए हैं कि अपने स्तर पर पानी की कमी की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें, ताकि प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर तक पानी की समस्या को दूर करने के लिए प्लान तैयार किया जा सके। सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग हुई है, उसमें इसका चर्चा आई है, प्रदेश स्तरीय बैठक जल्दी बुलाने की बात की है और विभागों को आदेश दिया है कि इसका पूरा जायजा ले, कृषि विभाग जायजा ले, बागवानी विभाग जायजा ले और साथ में जो जल शक्ति विभाग है वो अपने स्तर के ऊपर कि कितनी ऐसी स्कीमें हैं जिनका जल स्तर कम होने के कारण उनमें जो है वो पानी की कमी आई है, उनसे निपटने के लिए हम पूरी तरह से जो है वो तैयार हैं। सरकार जो पहली मीटिंग करेगी उसके बाद जिला स्तर के ऊपर हम मीटिंगें करेंगे। हम आम आदमी को, गरीब आदमी को, जन जो है वो राहत पूरा।